फ्रेंड आप लोग को मैं ले चलती हूँ शादी की ओर, यानी कि जिधर शादी हो रहा है, शादी घर है ना। आप देख सकते हैं ये पहला एंट्री गेट है और ये सब लाइट लगा हुआ है जो रात को लाइट मारेगा, यानी कि यहाँ बल्ब लगाया जाएगा और बहुत ही अच्छा नज़ारा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा मेरे वीडियो में। आइए आप लोग को मैं अंदर ले चलती हूँ और इधर देख सकते हैं इधर सब कोई अपना अपना काम कर रहे हैं और ये मैया लोग, ये लोग भी आई है शादी घर। हाय करो मैया। और ये शादी में ही मैया लोग भी आई है और आप लोग को मैं अंदर मैं दिखाती हूँ। और ये जितने भी टेंट का सामान है ये सब हम लोग का घर का ही है और जितना भी हेल्पर है सब हम लोग का गांव का ही है और कोई भतीजा लगता है, कोई चाचा लगता है इस टाइप से। और बहुत ही मज़ा आता है और ये लोग खुद से ही अपना डेकोरेट करता है, यानी कि बहुत ही मेहनती लड़का लोग है। और देख सकते हैं ये लोग का डेकोरेट किया हुआ कितना अच्छा दिख रहा है ना। तो आइए आप लोग को मैं अंदर भी दिखाती हूँ और अंदर का नज़ारा देखिए कितना ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। मैं अभी आप लोग को चारों तरफ दिखा रही हूँ फ्रेंड। और हम लोग का अक्सर शादी भी हम इसी तरह से डेकोरेट या कुछ भी चीज़ होता है तो गांव घर के सब मिल के ही करते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और दिखाती हूँ मैं आप लोग को जो ये मड़वा छप्पर है, जो यहीं सब चीज़ें भी हम लोग का रस्म स्टार्ट होने वाला है और बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को। और इधर देख सकते हैं स्टेज बनाया गया है और यही भाई लोग अभी बनाया है जो हेलो कर रहे हैं और बहुत ही मेहनती लड़का है ये लोग और हम लोग का ही गांव घर के हैं सब कोई हेल्पर लोग और जितने भी टेंट में काम करते हैं सो। और बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं लेके आ गई हूँ फ्रेंड आप लोग को बगान तरफ और इधर देख सकते हैं अभी गर्मी का दिन है, यानी कि मई का महीना है तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है और इधर पेड़ पौधा है तो बहुत ही राहत है और सब कोई पेड़ पौधे के नीचे बैठे हुए हैं और काम भी हो रहा है, काम के साथ मस्ती भी हो रहा है। और उधर चिकन कटाया हुआ है तो ये बच्चे लोग इधर ला के आग जला के एकदम अच्छा से कलेजी को पका रहे हैं, चिकन कलेजी, और बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है बोल के बता रहे हैं वो लोग और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। और देख सकते हैं कितना अच्छा से पका रहा है ये लोग और बोल रहा है कि नमक मिर्च लगा के खाएंगे ऐसे बता रहा है। और मैं आप लोग को इधर लेके आती हूँ जिधर चिकन सब कट रहा है और ये चिकन सब काट रहे हैं तो सब गांव का ही दादा और चाचा लोग सब मिल के कर रहे हैं और अक्सर इसी तरह से शादी ब्याह में हम लोग में मिलजुल के ही काम करते हैं सब कोई और बहुत ही मज़ा आता है, सब भी इंजॉय करते हैं। तो इधर देख सकते हैं कितना ज़्यादा चिकन अभी कट रहा है क्योंकि बहुत ही गेस्ट आने वाले हैं और पेड़ है तो इतना ज़्यादा राहत है कि सब को ये बोल रहे हैं कि एंजॉय के साथ साथ इधर घर काम भी होते जा रहा है। और बाकी बात उधर मटन उटन भी कट रहा है तो सब को अलग अलग दिया गया है, किसी को चिकन काटने के लिए, किसी को मटन काटने के लिए, इस टाइप से। और सब को मिलजुल के घर गाँव में काम करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड तो आप लोग को भी मज़ा आएगा वीडियो में, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और देखिए कि हम लोग का शादी भी हमें किस टाइप से होता है तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को। और इधर मैं दिखाती हूँ कि इधर देख सकते हैं राइस बियर भी बना हुआ है, यानी कि हड़िया बोलते हैं और जो झारखंड से देखते होंगे उसको पता होगा कि हड़िया राइस बियर क्या होता है ना। और काम के साथ साथ ये लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, खास करके अभी पेड़ के नीचे बैठ के एकदम पूरा राहत और एकदम ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है, धूप का एहसास ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह से एंजॉय करते करते काम भी हो रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
इधर मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड, ये मड़वा पूजा का तैयारी किया जा रहा है और ये गांव का पहान है जो मड़वा का समय जो पूजा होता है उसका मतलब सामग्री क्या क्या लगता है सबका इंतजाम पहाने करते हैं। और इधर मैं दिखा रही हूँ ये मड़वा छप्पर है, यानी कि मड़वा गड़ाया है और इसी यही शादी होता है हम लोग का। और ये सब जितना भी डेकोरेट चीज देख रहे हैं ये डेकोरेट का सामान सब मेरा ससुराल का ही है, यानी कि हम लोग का घर का ही, और ये गांव घर का ही सब कोई मिल के डेकोरेट किए हैं और बहुत ही अच्छा आता है। और हम लोग का शादी ब्याह होता है या कुछ भी हम लोग का रीति रिवाज होता है तो बिना बाजा और बिना नाच का शुरू ही नहीं होता है। तो देख सकते हैं इधर शहनाई सब और ढाक ढोल सब सब बज रहा है, तो मैं आप लोग को अच्छे से दिखा रही हूँ। और इधर देख सकते हैं फ्रेंड, ये पूरा मड़वा पूजा का तैयारी हो चुका है और ये पूजा करने में तीन लोग का ही काम रहता है, जेंट्स लोग का। तो एक घर का सदस्य रहते हैं और एक पहान रहते हैं और एक गांव के सदस्य रहते हैं और तीनों को मिल के ये पूजा करते हैं। और ये सब पूजा जब ये लोग कर लेते हैं उसके बाद फिर तीन से लेडीज का काम रहता है, जो घर की एक बहू रहती है, एक बेटी रहती है, एक गांव की रहती है, और सब मिल के मड़वा पूजा किया जाता है। उसके बाद फिर पूरा काम होता है और हम लोग का हर नेक नियम के बाद मतलब नाच गाना होता ही होता है। बिना नाच गाने का हम लोग का कोई भी रस्म नहीं हो सकता है। तभी देख सकते हैं कि अभी पूजा पाठ अभी शुरू हो गया है, तभी कर लेते हैं वो लोग पूजा। उसके बाद फिर जो तीन लेडीज बोल रहे हैं तो देख सकते हैं तीन लेडीज आ गए हैं। तो ये एक लड़की की दीदी हो भाभी है रिश्ते में और एक गांव की ही भाभी ही होती है। और ये तीनों लोग फिर ये जितने दिख रहा है आप लोग को नाचू और ये सबको भी लोग ढोएंगे और उसी से पूजा शुरू हो जाता है और नाच गाना के साथ ही हर चीज़ को संपन्न किया जाता है। और जब ये लोग नाचने लगेंगे तो पूरे जो गेस्ट आए रहते हैं चाहे गांव के रहते हैं धीरे धीरे एकजुट होके फिर से नाचना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग का नाच गाने से ही हर रीति रिवाज हम लोग का शुरू भी होता है। और देख सकते हैं बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को अगर आप लोग पहली बार देखते होंगे तो, कि आदिवासी लोग का शादी किस टाइप से होता है। जितने भी मांधर नगेड़ा वाले लोग आए हुए हैं तो सबको इसी तरह से चुमाना पड़ता है, यानी कि एक रस्म रहता है तो ही रस्म करना पड़ता है जितने भी भजनिया आए रहते हैं। और इसी तरह से हम लोग का मतलब कोई भी पूजा होता है तो इसी टाइप से कार्य किया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी जो बारात वरात भी निकलेंगे तो इसको जब तक हम लोग चुमाएंगे नहीं बाजा वाला को तब तक हम लोग का रस्म शुरू नहीं होता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड अभी मड़वा पूजा स्टार्ट होने के बाद अभी जितना भी लेडीज बैठे हुए हैं सबको अभी नाचेंगे हम लोग जोरा के, और हम लोग में इसी टाइप से रस्म होता है और बहुत ही अच्छा हम लोग को लगता है। तो आप लोग भी अगर जानते होंगे इसके बारे में तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं उसको भी बताइएगा कमेंट में। मड़वा पूजा हो गया है फ्रेंड, तो अभी ये नृत्य हम लोग का चल ही रहा है और अब रात को हम लोग परछने जाएंगे और इसी तरह से नाच गाते करते हुए जाते हैं हम लोग जो भी बारात आए रहते हैं उन लोग को परछने के लिए। तो देख सकते हैं अभी हम लोग नाचते हुए जा रहे हैं और उधर से लड़की लोग तरफ के भी रहेंगे चाहे लड़का लोग के तरफ के, तो दोनों को मिल के फिर नाचेंगे और नाचते हुए ही फिर घर घुसाएंगे। इस टाइप से परछ के घुसाते हैं लड़का और लड़की को, उसके बाद शादी का फिर तैयारी चलता है। तो हम लोग का आदिवासी में इसी तरह से होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना।
तो इधर देख सकते हैं सबको भी बहुत ही मस्ती कर रहे हैं। और अभी देख सकते हैं फ्रेंड, लड़का तरफ का और लड़की तरफ का भी मिल के सबको एकजुट होके अभी नाचेंगे और नाचते हुए ही अभी घर जाएंगे। तो देख सकते हैं बच्चे भी कितना मस्ती कर रहे हैं और अभी जितने भी इधर आ रहे हैं सब लड़के साइड के हैं और इधर अभी लड़की साइड के तरफ आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि
कि उधर भी और इधर भी मतलब कितना संख्या में रहते हैं हम लोग में, और सब जितने भी गेस्ट आए रहते हैं सबको, और गांव वाले भी बहुत ही इंजॉय करते हैं मिलके। तो देख सकते हैं पूरा रोड पूरा भरा हुआ है, और अभी सब मिलने के बाद अभी नाच गाना करते हुए वो लोग को भी घर ले जाएंगे हम लोग। और अभी देख सकते हैं फ्रेंड हम लोग का ये जितने भी रस्म हो रहा है, ये संधि जोड़ने वाला रस्म हो रहा है, और ये जितने भी चाची नानी फुआ ये लोग रहती है सबको मिल के और इस तरह का रस्म को अच्छा से संपन्न करती है। और पीछे देख सकते हैं कि जो लड़का और लड़की है वो लोग अपना शादी वाला जो कार्य होता है वो लोग करवा रहे हैं, और इधर ये लोग भी आधा काम कर रहे हैं, और इसी तरह से नाश्ते गाते हुए ही हम लोग का हर रस्म अदा होता है। तो देख सकते हैं बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हम लोग को, तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो आप लोग का शादी में किस तरह का होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिसका शादी में हम ही लोग जैसा होता है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं ये सब जब संधि वाला काम हो जाएगा उसके बाद फिर से भी लड़का लड़की को भी बैठाया जाएगा
सभा सिंदूर बोलते हैं, तो देख सकते हैं ये सभा सिंदूर हो रहा है इधर। और ये लोग का इसी तरह से अभी मतलब शादी हो गया है हम लोग का, जो मड़वा पूजा बोलते हैं ना, मड़वा ही कहीं मंडप में बैठा के सभा सिंदूर किया जाता है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर शादी का काम उधर चल ही रहा था, यानी रसम हो ही रहा था, और इधर जितने गेस्ट आए थे वो लोग खाना पीना खाते जा रहे हैं और जाते ही जा रहे हैं। तो आज का वीडियो आप लोग को उम्मीद करती हूँ फ्रेंड कि बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलूँगी मैं आप लोग से एक अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।